हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आप सभी को पता है कि बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा रिटर्न देता है हर साल, और अपने कई इन्वेस्टर्स को इसने करोड़पति बना दिया है। और आपको भी अगर इस स्टॉक से बड़ा रिटर्न चाहिए तो हम आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, बजाज फाइनेंस का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि अगर 50,000 रुपये बजाज फाइनेंस में लगाकर रख दिए जाए 20 साल के लिए तो कितना बड़ा अमाउंट ये स्टॉक हमें बनाकर दे सकता है। मैं आपको इस वीडियो में कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि प्रैक्टिकली बजाज फाइनेंस कितना रिटर्न आपको बनाकर दे सकता है, क्या 50,000 रुपये 1 करोड़ रुपये में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके काम का वीडियो है। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप रिटायरमेंट के टाइम पर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, लेकिन सही तरीके से आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पूरे एनालिसिस को सुनना पड़ेगा। क्योंकि आप जो है 50,000 रुपये अगर किसी स्टॉक में लगाते हैं तो अपनी कमाई हुई मेहनत से आप जो है ये पैसा लगा रहे हैं। तो आप लोग क्या करिए, आधा अधूरा नॉलेज मत लीजिए, पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और खुद से भी रिसर्च कीजिए कि बजाज फाइनेंस ने पास्ट में इस तरीके का रिटर्न बना के दिया है या नहीं दिया है। उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि 20 साल तक आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी होती है, हम इन्वेस्टमेंट तो 20 साल का नजरिया रख के करते हैं, लेकिन जब भी स्टॉक में सपोज अभी बजाज फाइनेंस का करंट प्राइस 4,878 का नजर आ रहा है और आपने जैसे ही पैसा लगाया और अगले ही महीने इसमें करेक्शन आया और ये 4,200 या 4,000 रुपये के आसपास में चला गया, तो आप लोग क्या करते हैं, सारा का सारा पैसा उस समय निकाल लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको पेशेंस चाहिए, आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए और आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट करिए कि हमने बजाज फाइनेंस में FD कराया है, अगर हम इसमें से पैसा निकालेंगे तो हमारा नुकसान ही होने वाला है। ये साइकोलॉजी रखकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आप स्टॉक को लंबे टाइम के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने ये साइकोलॉजी रखी कि जरा सा गिरा और बाहर निकाल दिया पैसा, तो स्टॉक मार्केट में उस तरीके से बड़ा पैसा नहीं बनता है। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट वर्क करता है, तभी जाकर आपका बड़ा पैसा बनता है। अब मैं आपको इसके फंडामेंटल्स बताता हूँ, फिर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करके देखते हैं कि 50,000 रुपये 1 करोड़ में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड आपको पता है फाइनेंस से रिलेटेड सारे वर्क करती है, और ये बजाज फाइनेंस कंपनी का एक सिंपल सा मॉडल है, छोटे लोगों को भी लोन देती है, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली हो गई, उनसे भी छोटे लोग हो गए जो कम पैसा कमाते हैं, उनको भी ये इजीली लोन प्रोवाइड कर देती है, तभी जाकर बजाज फाइनेंस इतना सक्सेसफुल हुई है। उसके बाद अगर बजाज फाइनेंस का अगर मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो आप देखिए 2,93,507 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 4,878 रुपये का चल रहा है, 52 वीक हाई के लगभग आसपास है। उसके अलावा इसका देखिए 52 वीक लो देखिए 2,571 का, डिविडेंड यील्ड देखिए 0.12% का है, डिविडेंड थोड़ा कम देती है लेकिन सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है 33.55% की। फेस वैल्यू 2 की कंपनी है, डेप टू इक्विटी रेशियो जनरली फाइनेंस कंपनी का ज्यादा ही रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 56.15% का है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। करंट रेशियो अच्छा है 4.30 का है और रिजर्व्स 21,642 करोड़ का रिजर्व से कंपनी के पास कैश अमाउंट इतना पड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा ब्रीफ में हम इसके रिजल्ट भी देख लेते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट रहे हैं इसके। तो आप नेट प्रॉफिट देखेंगे अगर क्वार्टरली वाइज, दिसंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट देखिए आप इसका, नेट प्रॉफिट 1,488 करोड़ का था जो कि लगातार ही बढ़ रहा है, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, सेल्स भी बढ़ा हुआ है, आप देखिए 6,304 करोड़ का है, तो क्वार्टरली ट्रेंड में कंपनी के कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर इसका आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज देखेंगे तो रेवेन्यू बढ़ा है इसका
और नेट प्रॉफिट देखिए आप 5103 करोड़ का। तो यहाँ से हमें देखने का ये मोटिव है कि इसके क्वार्टरली ट्रेंड भी अच्छा चल रहा है, ईयर वाइज भी रिजल्ट अच्छा है और लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप देखिए 2008 से 21 करोड़, फिर 34 करोड़ हुआ, 89 करोड़, 247 करोड़, 406 करोड़, 591 करोड़, 719 करोड़, 898 करोड़, उसके बाद देखिए 1279 करोड़, 1837, 2485, 3890 और अभी 5103 करोड़। यानी कि 2008 से बजाज फाइनेंस ने किसी भी साल में नेगेटिव में प्रॉफिट नहीं दिया है। तो आप लोग क्या करते हैं कि 4800 रुपए का शेयर है तो महंगा शेयर है, इसके लिए आप बाय नहीं करते, जबकि यही शेयर जो है सबसे ज्यादा रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है और बड़ा रिटर्न उनको बनाकर दे रहा है और वो लोग बड़े से बड़ा रिटर्न इजिली बना रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए लास्ट 10 साल का 40.40% है, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 60.69% का है, सीएजीआर देखिए 67.11% का है और आरओई देखिए 20.82% का है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये वाला है हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, लास्ट 10 साल में जो एक साल का इसने कंपाउंडिंग पैसा किया है वो 67% से पैसा कंपाउंड किया है लास्ट 10 साल में। अगर आप 50,000 को 67% से कंपाउंड करके देखेंगे 20 साल में तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे उतना बड़ा अमाउंट बन सकता है, लेकिन क्योंकि स्टॉक ने इतना परसेंट रिटर्न बनाकर दे दिया है तो हम एक प्रैक्टिकली रिटर्न लेंगे कि जो हमें आने वाले 20 सालों में बजाज फाइनेंस बना के दे सकता है उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अदरवाइज आपने 67% से अगर कैलकुलेट करके देख लिया तो आप बोलेंगे कि इतना बड़ा अमाउंट स्टॉक मार्केट में बन ही नहीं सकता, लेकिन अगर इसने सेम ऐसा ही रिटर्न बनाकर दे दिया तो वैसा अमाउंट भी बन सकता है। बैलेंस शीट देखिए आप 21,642 करोड़ का रिजर्व से और टोटल असेट्स 1,23,506 करोड़ का है। उसके अलावा कैश फ्लो की बात करेंगे तो 13 करोड़ है, तो फंडामेंटल्स में बजाज फाइनेंस की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं बताता हूं आपके इसको रिटर्न, इसका रिटर्न देखिए आप 10 साल में 16,812% का रिटर्न बनाकर दिया है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा परसेंटेज का रिटर्न बना के दिया है। और एक साल में अगर आप देखेंगे तो 87% का रिटर्न बनाकर दिया है। अब इसका इंडस्ट्री पी और इसका पी देखेंगे तो आपको हमेशा शेयर महंगा मिलेगा, क्योंकि इसका बिजनेस का ग्रोथ इतना अच्छा है, सेल्स इतना अच्छा है कि इसका आपको पी हमेशा हाई चलने वाला मिलेगा। तो आप लोग अगर ये देखकर सोचेंगे कि स्टॉक महंगा है तो आप कभी भी बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो आप इसका एक अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं कि आप हर महीने एक एक शेयर बाय करके रख सकते हैं और जब भी आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 से 60,000 रुपए हो जाए उसके बाद उस स्टॉक को 20 साल के लिए होल्ड करके रख लीजिए और उसके बाद देखिएगा कि बजाज फाइनेंस कितना बड़ा रिटर्न आपको बनाकर दे सकता है। अब मैं आपको इसका कुछ टेक्निकल एनालिसिस करके बताता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम देखेंगे तो इस स्टॉक में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे स्टॉक ने यहां पर ब्रेकआउट दिया था, आपको मैं लाइन ड्रॉ करके बता देता हूं। यहां पर अगर जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहां पर भी बाय किया होगा 4,287 का, तो अगर यहां से स्टॉक में अगर करेक्शन आता है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है ये स्टॉक, अगर करेक्शन आता है तो सबसे पहला लेवल ही ये रहेगा कि 4200 रुपए के आसपास में ये स्टॉक आ सकता है। तो इस स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना है तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना है कि जब भी बड़ा करेक्शन आएगा तब हम इस स्टॉक में होल्ड रखेंगे और उसके बाद अगर इस लेवल पर आ जाए, अगर 4200 के लेवल पर, तब हम और क्वांटिटी बजाज फाइनेंस की ऐड करेंगे। तो ये साइकोलॉजी आपको रखनी पड़ेगी बजाज फाइनेंस में, और बजाज फाइनेंस में करेक्शन आ सकता है क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, क्योंकि जब भी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो बजाज फाइनेंस में बड़ा करेक्शन आएगा तब आपको होल्ड रखना पड़ेगा। तो इसका अल्टरनेटिव मैंने आपको बता दिया कि आप एक एक शेयर करके बाय कीजिए बजाज फाइनेंस में और जब भी आपका 50,000 से 60,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो जाए उसके बाद इस स्टॉक को एफडी की तरह यूं समझिएगा कि 20 साल के लिए हमने पैसा लगा दिया है, 20 साल के बाद ही पैसा मिलेगा। आप देखिएगा 50,000 से बहुत बड़ा अमाउंट आपको मिल सकता है। और अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि 50,000 रुपए 20 साल में कितना बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो बेस अमाउंट हम ले रहे हैं 50,000 रुपीज का
और इंटरेस्ट रेट ये वैसे तो कंपाउंड कर रहा है पैसा 60% से ऊपर का, लेकिन प्रैक्टिकली हम मानते हैं कि बजाज फाइनेंस ने उतना रिटर्न बनाकर दे दिया है, तो अभी हमें 30 से 40% के बीच में ये रिटर्न बनाकर दे सकता है, तो हम केवल 35% ही ले रहे हैं। साल भर का अगर 35% से भी बजाज फाइनेंस अगर आपका 50,000 को कंपाउंड करता है और 20 साल के लिए कंपाउंड करता है तो कितना बड़ा अमाउंट बन सकता है आपको मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो कैलकुलेट जब हमने किया तो हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है वो आप देखिएगा कितना अमाउंट आ रहा है, आप देखेंगे 2 करोड़ से भी ऊपर का अमाउंट आ रहा है। और इसको अगर मैं यहाँ पर 34% कर दूं, जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है बजाज फाइनेंस में, बहुत से लोग बोलेंगे कि 34% रिटर्न दे ही नहीं सकता, तो आप 10 साल का रिटर्न देख लीजिए, इसका पास्ट रिजल्ट देख लीजिए, इसने 34% तो इसके लिए बहुत कम रिटर्न है, और 34% रिटर्न भी आपको बना के दे देता है। और अगर कैलकुलेट करते हैं आप तो लगभग देखेंगे आपके पास कितना अमाउंट बनता है, आप देखिए 1 करोड़ से ऊपर ही अमाउंट बन रहा है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर 1 करोड़ भी नहीं बना, अगर आपका 50,000 50 लाख में भी कन्वर्ट हो जाता है तो इतना बड़ा अमाउंट आपको कोई और नहीं बनाकर दे सकता। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपका बड़ा अमाउंट बजाज फाइनेंस से बन सकता है, ये डेफिनेटली है कि अगर 50,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए बजाज फाइनेंस में तो आपको बड़ा रिटर्न मिलने ही वाला है, एक बड़ा अमाउंट मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम पर। तो आप लोग बजाज फाइनेंस के बारे में अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, मैंने अपने तरीके से पूरा रिसर्च करके आपको बता दिया है, अब आपके ऊपर है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लीजिएगा और उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा। आई होप आपको हमारा यह एनालिसिस अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।